हाय आई एम गोविंद वैष्णव म्यूजिक कंपोजर लिरिक्स राइटर एंड डायरेक्टर वेलकम टू जॉइन फिल्म लोगों को दो लाइन सुनाया तो बनाने से पहले ही मैंने अपनी लाइनें देखा तेन रोज रोज लोगों को पूछने लगा भाई कैसा लग रहा है बोलते अच्छा है ये कहाँ से क्या है मैं बोला लिख रहा हूँ आगे hmm. लिख रहा हूँ जिसको पूछ रहा हूँ सब सही बता रहे तो मैं फिर बैठ गया तीन चार दिन सात दिन घर के अंदर ही मैं बोला इसको पूरा लिख के निकलता हूँ बाहर hmm. फिर कंपोज किया तो कंपोजिशन भी अच्छा है तो फिर उसको बना दिया मैंने हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जॉइन फ्रॉम द प्रैक्टिकल स्कूल मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फॉर्म यूट्यूब चैनल इस फील्ड में आने के लिए आपके अंदर एक टैलेंट भी बहुत अच्छा है तो भी आप बहुत आसानी से अपना मकाम बना सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ अगर आप मल्टी टैलेंटेड हैं तो भी आपके लिए बहुत सहूलियत हो जाती है क्योंकि आपके ऑप्शंस बढ़ जाते हैं और आप इंडिपेंडेंटली बहुत सारा अच्छा काम कर सकते हैं किस तरह से मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं यह बताने के लिए हमारे साथ गोविंद वैष्णव जो कि एक कंपोजर है लिरिक्स राइटर है और साथ में डायरेक्टर भी हैं तो कंपोजिशन और लिरिक्स तो था समझ में आता है कि हाँ दोनों साथ में चल सकते हैं ये डायरेक्टर कहाँ से आ गया उसमें डायरेक्टर इसलिए आ गया कि मेरे जब गाने बनाता था तो काफी जन ने मेरे सॉन्ग्स की वीडियोस बहुत खराब कर दिए हाँ। तो मैंने वहाँ पे भी दिमाग लगाना शुरू कर दिया था बोला हाँ। ये होता कैसे क्या है कैमरे की एक्सेसरीज वगैरह सब समझ लिया और फिर मैं बोला आप जब करूंगा तो खुद के गाने खुद ही करूंगा मतलब सॉल्यूशन तो दो दो तो तो सोच लीजिए तो ये जो आपका गाना आया है अभी, इस गाने में ऐसी क्या खास बात है कि आपने इसी को चुना कि नहीं ऑडियंस के सामने सबसे पहले लेके जाता हूँ ये गाना थोड़ा हर किसी को फ्रेंकली लगता है अच्छा लगता है थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा था तो लोगों को दो लाइन सुनाया तो बनाने से पहले ही मैंने अपनी लाइनें देखा तेन रोज रोज लोगों को पूछने लगा भाई कैसा लग रहा है बोलते है, अच्छा है ये कहाँ से क्या है मैं बोला लिख रहा हूँ आगे लिख रहा हूँ जिसको पूछ रहा हूँ सब सही बता रहे तो मैं फिर बैठ गया तीन चार दिन सात दिन घर के अंदर ही मैं बोला इसको पूरा लिख के निकलता हूँ बाहर फिर कंपोज किया तो कम्पोजिशन भी अच्छा है तो फिर उसको बना दिया मैंने तो आपको लगता है कि आज जो भी रिजल्ट आया है अभी लास्ट में उससे आप सेटिस्फाइड एक्चुअली मैं सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ मैं लेकिन ठीक है काम चल रहा है मेरा ओके देखिए क्रिएटिव जो भी लोग होते हैं वो कभी भी सैटिस्फाइड इसलिए नहीं होते कि उनको हमेशा दिखता है कि नहीं इसके आगे भी और कुछ किया जा सकता है आगे भी इसमें और गुंजाइश रहती है क्योंकि हर एंड रिजल्ट के बाद ही लगता है कि काश इसमें हमने थोड़ी सी वो चीज़ें कर ली होती और ये एक एंडलेस प्रोसेस है क्रिएटिविटी में तो आगे भी आप अब गाने जो हैं वो खुद ही बनाएंगे खुद ही लिखेंगे खुद ही डायरेक्ट करेंगे अब पूरा फिक्स हो चुका है कि मैंने डायरेक्शन का काम अभी बाहर दे दिया था बट अब सोच रहा हूँ कि खुद ही करूँगा सारा का सारा ओके तो काम खराब भले टाइम लगेगा थोड़ा जैसे म्यूजिक बनाने में एक महीना चला जाता है हमको लिखने में वगैरह सब करके तो अब दो महीने जाएंगे डायरेक्शन भी आ गया तो वैसे करके भी कर सकते हो लेकिन टाइम लगेगा लेकिन मैं अपनी चीज़ों को दिखा सकूंगा कि मुझे क्या दिखाना है लोगों को जब हम म्यूजिक के बारे में सोचते हैं तो म्यूजिक सेंस तो एक बिल्कुल अलग हो गया लेकिन जब एक्टर परफॉर्म करते हैं उसमें और वो सारा कुछ पर्दे पे आता है तो जो जस्टिफाई करना चाहिए वो एक्टर से कैसे काम निकलवाएंगे आप? एक्टर से काम जैसे कि मैं मैं एकदम नेचुरली बताता लाइफ से रिलेटेड छोटी मोटी या फिर मैं उनको दो महीने पांच महीने से जानता हूँ या मेरा फ्रेंड है तो मैं वो दिनों की चीजों को बीती हुई जो बातें हमारे साथ हो चुकी है या कोई चीज से तो मैं वही चीजों से उसको समझाऊंगा भाई ऐसा था तो वहाँ वैसा हुआ था ना वैसा ही करके रिलेट ही करके तो, हाँ मेरा यही टेक्निक है मतलब और इसमें आपने आर्टिस्ट जो लिए उसमें से कुछ नए हैं और कुछ पुराने हैं तो नए आर्टिस्ट को आगे भी चांस देते रहेंगे बिल्कुल सर क्या रीजन है उसके पीछे नए आर्टिस्ट के अंदर चांस देते हैं तो उनके अंदर से कुछ नया नया निकल के आता है पुरानों को भी देते हैं लेकिन पुरानों में क्या है ना कि चार मूवी या चार एल्बम कर चुके तो वही चीज बार बार एक बार कैमरे पे दिख ही जाती है कभी ना कभी ओके ओके रिपीटेशन दिखता है थोड़ा बहुत भले कितना हो लेकिन दिखता है मतलब वो फ्रेशनेस नहीं है हाँ। फ्रेशनेस अब दूसरे क्या है डरते डरते भी कर देते हैं कुछ ना कुछ तो अपने को कैमरे में कैप्चर हो जाता है तो ये गाना अगर किसी को देखना हो तो कहाँ पे देख सकता है जी म्यूजिक फिल्म प्रोडक्शन पे देख सकते हैं यूट्यूब पे देख सकते हैं स्ट्रीमिंग चैनल्स पे सब पे सब जगह प्लेटफॉर्म्स गया है सभी जगह अवेलेबल है yeah, टू हंड्रेड प्लस प्लेटफॉर्म्स पे गया हुआ है ओके वेरी गुड थैंक यू गोविंद थैंक यू वेरी मच तो ये थे गोविंद वैष्णव एक म्यूजिक कंपोजर लिरिक्स राइटर और अब डायरेक्शन में भी वो अपने हाथ आजमाने वाले हैं आगे चल के मुझे उम्मीद है कि इस तरह की जो नई जर्नी होती है सक्सेस जर्नी होती है उनको जो प्रॉब्लम आती है जब वो यहाँ पे शेयर करते हैं उससे आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलता है आपने क्या क्या सीखा क्या क्या समझा मुझे जरूर बताइएगा अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा तब तक के लिए देखते रहिए सीखते रहिए जमे रहिए ऑल द वेरी बेस्ट